श्री कृष्ण, आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दिव्य शंखनाद की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। कल माघ शुक्ल पक्ष पंचमी से वसंतोत्सव प्रारंभ हो रहा है। कल वसंत पंचमी है। प्रभु श्रीनाथ जी में इस अवसर पर कई अनोखी परंपराएं निभाई जाती हैं। विशिष्ट राग भोग श्रृंगार आते हैं। आइए ढेर सारी अग्रिम बधाइयों के साथ दर्शन करते हैं। श्री जी की सेवा प्रणाली का में सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि आज से श्री जी के शयन के दर्शन पुनः प्रारंभ हो जाते हैं, जो सायं 7 बजे के लगभग होते हैं। शयन के ये दर्शन आगामी रामनवमी तक जारी रहते हैं। केवल आज के दिन प्रभु श्रीनाथ जी में 9 दर्शन होते हैं। श्री जी की राग भोग और श्रृंगार सेवा में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। आज से प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा में प्रयुक्त होने वाले शीतकालीन साजों को हटा लिया जाता है, उसकी जगह सफेद साज आ जाते हैं। आज वसंत पंचमी से डोल उत्सव तक यह 40 दिनों का वसंत उत्सव मनाया जाता है, जिसमें प्रभु श्री जी वसंत खेल खेलते हैं। इस वसंत खेल में राग बदल जाते हैं, जिनमें धमार शामिल हो जाती हैं। गुलाल, अबीर, चौवा, चंदन, इन 4 वस्तुओं से प्रभु को वसंत के खेल खिलाए जाते हैं। गुलाल में जहां ललिता जी का भाव है, तो अबीर में चंद्रावली जी का भाव छिपा है। चौवा श्री यमुना जी के भाव से है, तो केसर युक्त चंदन स्वामिनी जी के भाव से है। इस प्रकार के भावों के साथ श्री जी आगामी 10 दिन तक इन 4 वस्तुओं से खेलते हैं। अनामिका उंगली से टिपकियां लगाकर सूक्ष्म खेल होता है। कुल मिलाकर आज से 40 दिनों तक प्रभु गुलाल, अबीर, चौवा, चंदन एवं केसर रंग से ब्रज भक्तों के साथ होली खेलते हैं। होली के धमार के साथ विविध रस भरी गालियां भी गाई जाती हैं। प्रेम रस से भरे इन रंगों के साथ ही आज से होली का प्रारंभ होता है। मौसम में पूर्ण परिवर्तन होली के पश्चात माना जाता है, अतः यह 40 दिनों का काल इस मौसम का गर्भकाल कहा जाता है। कदाचित मौसम के इस गर्भाधान काल को किसी और संस्कृति में नहीं देखा जा सकता है। एक विशिष्ट प्रक्रिया के तहत आज की सेवा में वसंत का अधिवासन भी किया जाता है, जिसके तहत बसंत के कलश की स्थापना की जाती है। सबसे पहले रजत के इस कलश में जल भरा जाता है, फिर इसे खजूर की डाल, आम के वृक्ष की पत्तियों, आम्र मंजरी, सरसों के पीले पुष्प सहित टहनियां, यव अर्थात गेहूं की बालियां व बेर आदि के पुष्पों से सजाया जाता है। कलश को लाल वस्त्र से लपेटा जाता है। जब प्रभु प्रथम राजभोग अरोग लेते हैं, तब इस कलश का अधिवासन किया जाता है। जिन 5 वस्तुओं से इस कलश को सजाया गया है, माना जाता है कि इन वस्तुओं में प्रेम रस भरा हुआ है और प्रेम की पूजा के भाव से ही इस कलश का भी पूजन किया जाता है। एक अन्य भाव के तहत इसे कामदेव की पूजा के रूप में भी देखा जाता है। अधिवासन की प्रक्रिया में बसंत के कलश को सजा कर लकड़ी की चौकी पर पधरा कर आचमन कर हाथ में जल अक्षत लेकर निम्न श्लोक को बोला जाता है। भगवतः श्री पुरुषोत्तमस्य वृंदावने वसंत क्रीड़ार्थम वसंताधिवासनम अहम करिष्ये। तत्पश्चात जल अक्षत छोड़कर कलश के ऊपर कुमकुम व अक्षत के छींटे डालकर मिश्री के बूरे की कटोरी में बीड़ा रखकर भोग रखा जाता है। यह अधिवासन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात राजभोग के दर्शन खुलते हैं। आज से प्रभु को वसंत के थाल के भोग भी आना प्रारंभ हो जाते हैं, जिसमें दूध घर एवं शाक घर की सामग्रियां, सूखे मेवे एवं फलों का समावेश रहता है। एक और भाव को देखें तो आज से ब्रज भक्तों के साथ प्रभु सख्य भाव से खेलते हैं, जिसके तहत प्रभु के श्री चरणों को ढक दिया जाता है ताकि दास भाव लागू न हो। यदि आप प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाएं, तो वसंत के खेल की इस प्रक्रिया के दर्शन आपको होंगे। सर्वप्रथम प्रभु को दंडवत करके केसरी चंदन, गुलाल, अबीर एवं चौवा के क्रम से खिलाया जाता है। इसमें सर्वप्रथम प्रभु की पाग वागा सूथन के क्रम में अनामिका अंगुली से टिपकियां लगाकर खिलाया जाता है। तत्पश्चात मालाजी, वैत्रजी, गेंद, गादी आदि को रंगा जाता है। अंत में सिंहासन वस्त्र तथा पिछवाई को गुलाल एवं चंदन से रंगा जाता है।
चंदरवा को केवल चंदन से छांटा जाता है। इसके बाद डोल तिवारी में दर्शन कर रहे सभी प्रभु भक्तों पर गुलाल एवं अबीर छांटा जाता है। केवल आज के दिन प्रभु प्रथम राजभोग के समय गुलाल से खेलते हैं। कल से 40 दिनों तक ग्वाल एवं राजभोग में प्रभु को गुलाल एवं अबीर से खिलाया जाएगा। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के श्रृंगार के दर्शन भी कर लेते हैं। ऋतु परिवर्तन की तैयारी के साथ ही प्रभु श्रीनाथ जी की सास श्रृंगार में भी भारी परिवर्तन आज से होता है। आज वसंत पंचमी का उत्सव है, अतः स्वाभाविक है कि प्रभु श्रीनाथ जी की मंदिर की सभी दहलीजों को मांडा जाएगा, वंदलमाल बांधी जाएंगी, जमुना जल की झारी जी आएंगी, थाली की आरती की जाएगी, गेंद चौगान दीवला चांदी के आएंगे, प्रभु को अभ्यंग कराया जाएगा, खंड पाठ सब साथ चांदी के आएंगे जो डोल तक रहेंगे। आज से शयन के दर्शन बाहर खुलेंगे। आज प्रभु को दो राजभोग अरोगाए जाते हैं। प्रभु को आज वस्त्रों में घेरदार वागा चोली सूथन सभी श्वेत अर्तु के धराए जाएंगे, पटका मोछड़ा का आएगा, पाक श्वेत श्याम खिड़की की आएगी, ठाड़े वस्त्र लाल धराए जाएंगे, पिछवाई श्वेत मलमल की आएगी, आज से छोगा छड़ी नित्य आएगी। प्रभु को आज सभी आभरण फागुन के धराए जाएंगे, जिनमें सोना मानक मीना के मिलमा आभरण रहेंगे, श्रृंगार छेड़ान के रहेंगे लेकिन दो अंगुल नीचे तक रहेंगे, सिर पेच की टगह पट्टी दर जड़ाऊ कटी पेच धराए जाएंगे, श्रीमस्तक पर मोर चंद्रिका धराई जाएगी, वेणुवेत्र सोना के बटदार आएंगे, आरसी दोनों समय बड़ी डांडी वाली दिखाई जाएगी, 40 दिन तक गुंजा माला दोहरा आएगी, पट चीड़ का गोटी चांदी की आएगी। जैसा कि हम जानते हैं प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का बहुत ही अद्भुत है, यह प्रकृति से 100% मेल खाती हुई है। देखिए आज राजभोग के बीच में चौका पर बसंत का हांडा आता है, श्री जी को चंदन गुलाल अबीर चौवा से खिलाया जाता है, फिर ठाड़े वस्त्र पिछवाई वसंत चंदवा का खिलाया जाता है, अबीर गुलाल उड़ाई जाती है, तत्पश्चात दूधघर शाकघर बाल भोग के उत्सव भोग आते हैं, तुलसी शंखोदक धूप दीप होते हैं, तत्पश्चात दर्शन खुलते हैं, आरती में पुष्प उड़ाए जाते हैं, प्रभु की भोग सेवा में विशेष रूप से गोपी वल्लभ में मेवा बाटी फीका में चालनी तथा 12 बड़े सेव के नग धराए जाते हैं, रसोई में मीठी सेव केसरी पेठा आदि अरोगाए जाते हैं, साय आरती पश्चात श्रृंगार बड़े हो जाते हैं, लोम तुर्रा सुनहरी रहते हैं। तो आइए वसंत पंचमी से प्रभु श्री जी के शयन के दर्शनों का भी आनंद लें। आज श्री दामोदर दास जी हरसानी का प्राकट्य दिवस है, आप सभी को खूब खूब बधाई। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं। मुरार
लूटे भक्त शिरोमणि राही, भक्त शिरोमणि राही प्रगटे, भक्त शिरोमणि राही। आज माघ शुक्ल पक्ष चतुर्थी सोमवार 15 फरवरी 2021 को श्री दामोदर दास जी हरसानी का प्राकट्य दिवस है। पुष्टि मार्ग में आप श्री ललिता जी का लीला स्वरूप हैं। आपके प्राकट्योत्सव की कुछ अद्भुत विशेषताएं हैं, आइए जानकारी साझा करते हैं। प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का के अनुसार आज शीतकाल का अंतिम दिवस होता है और कल से वसंत प्रारंभ हो जाता है। वसंत पंचमी अर्थात वसंतोत्सव का उत्सव कल मनाया जाता है। अतः शीत की थीजन जब टूट रही है और वसंत का आगम हो रहा है, उसके बीच में श्री दामोदर दास जी हरसानी हैं, जो श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्री जी एवं श्रीमद् वल्लभाचार्य जी जो गुरु स्वरूप हैं उनके मध्य हैं। आप पुष्टि मार्ग के भक्त शिरोमणि हैं। श्री गोवर्धन धरन प्रभु श्री जी की आज्ञा से श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने प्रथम ब्रह्म संबंध श्री दामोदर दास जी हरसानी जी को ही दिया और स्पष्ट किया कि दमला यह मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है। अब एक विशेष तथ्य की तरफ ध्यान दीजिए जो पुष्टि मार्ग के ग्रंथों में भी वर्णित है कि जब तक भूतल पर पुष्टि मार्ग विद्यमान है, किसी न किसी रूप में श्री दामोदर दास जी हरसानी भी विद्यमान रहेंगे। अर्थात यदि वैष्णव और भक्त जो कि श्री दामोदर दास जी हरसानी के ही रूप होते हैं वे हैं, तो पुष्टि मार्ग में बसंत है वरना शीत की थीजन है। यह श्री जी और श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की आज्ञा भी है। श्री जी की सेवा प्रणाली का में भी आज का दिवस बहुत महत्वपूर्ण है। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, प्रभु श्री जी के सेवा क्रम में प्रत्येक ऋतु का परिवर्तन, उसके आगमन और प्रस्थान के समय अद्भुत सेवा क्रम होता है, क्योंकि हमारे सनातन में चैत्र एवं वैशाख मधु माधव वसंत माने गए हैं। फिर 40 दिन पहले वसंतोत्सव क्यों? तो अब हमारे सनातन मौसम विज्ञान को जानिए कि ऋतु के गर्भाधान 40 दिन पहले होते हैं, यह कई पुराणों में प्रतिपादित है। अतः ऋतुराज के आरंभ के 40 दिन पूर्व ही पुष्टि मार्ग में उत्सव आरंभ हो जाते हैं और वसंत का करके 40 ही दिन रसलीला दर्शन भगवतियों के सुखार्थ होता है। अतः श्री दामोदर दास जी हरसानी के प्राकट्योत्सव से कुछ विशेष परिवर्तन हो रहे हैं, जैसे कि विजयादशमी के दिन से प्रभु को जरी के वस्त्र धराए जाने आरंभ होते हैं, जो कि आज अंतिम बार धराए जाते हैं। कल वसंत पंचमी से वस्त्रों में जरी का प्रयोग नहीं होगा। वहीं देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन से प्रतिदिन निज मंदिर में प्रभु स्वरूप के सम्मुख से शैया मंदिर तक बिछाई जाने वाली लाल तेह भी आज अंतिम बार बिछाई जाएगी। आज ही बसंत पंचमी के एक दिन पूर्व श्री जी में शीतकाल की पांचवी चौकी होती है। मार्गशीर्ष एवं पोष मास में जिस प्रकार सखड़ी में 4 मंगल भोग होते हैं, उसी प्रकार शीतकाल में 5 द्वादशियों को 5 चौकी श्री जी को अरोगाई जाती हैं। इन 5 चौकी में श्री जी को प्रत्येक द्वादशी के दिन मंगला के समय क्रमशः तवापूड़ी, खीर वड़ा, खरमंडा, मांडा एवं गुड़कल की सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। आज पांचवी एवं अंतिम चौकी है जिसमें श्री जी को मंगल भोग में गुड़कल की सामग्री अरोगाई जाती है। श्री जी प्रभु को नियम से गुड़कल वर्ष भर में केवल आज के दिन ही अरोगाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि गुड़कल के अरोगने के साथ ही प्रभु शीत को लुढ़का देते हैं, अर्थात आज से प्रतिदिन शीत कम ही होगी। और विशेष भोग में राजभोग की सखड़ी में आज श्याम खटाई, रतालू प्रकार व श्री नवनीत प्रिया जी के घर से सिद्ध होकर पधारी गुड़कल की सामग्री भी अरोगाई जाती है। दिन के अनोसर में अरोगाई जाने वाली शाक घर की सौभाग्य सूंट आज अंतिम बार अरोगाई जाएगी। यद्यपि
रात्रि अनुसर में शीत रहने तक प्रतिदिन सौभाग्य सौंठ की सामग्री जारी रहेगी। अब श्री जी के दर्शन करें तो आज साज सज्जा में फुलकशाही जरी की सुंदर पिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है तथा स्वरूप के सम्मुख लाल रंग की तेह बिछाई जाती है। वहीं स्वर्ण के दो पड़घा पर एक में बंटा जी तथा दूसरे पर श्री झारी जी पधराई जाती हैं। धरती पर सृष्टि व अंगीठी धरी जाती हैं। श्री जी के वस्त्र दर्शन करें तो आज श्री जी को लाल सलीदार जरी का सूथन, दीपावली वाला फुलकशाही जरी की चाकदार वागा, चोली एवं मोजा जी जड़ाऊ धराए जाते हैं। पटका आज सुनहरी जरी का धराया जाता है तथा ठाड़े वस्त्र मेघश्याम रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज प्रभु को वनमाला का अर्थात चरणारविंदक का उत्सवत भारी श्रृंगार धराया जाता है। इसके साथ हीरा पन्ना मानक मोती के मिलवा आभरण धराए जाते हैं, जिसमें प्रभु के कंठहार से लगाकर बाजूबंद, पोची, हस्त साखला, मुद्रिकाएं, कड़ा, पेंजनिया, नूपुर आदि सभी शामिल हैं। और प्रभु के श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो आज हीरा का किरीट पान शरद वाला एवं बाईं ओर प्रभु के शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में उत्सव के हीरा के बड़े मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं, साथ ही उत्सव की हीरे की चोटी जी बाई ओर धराई जाती है। श्री कंठ में नीचे पदक एवं ऊपर हार, माला, दुलड़ा आदि सभी धराए जाते हैं। कली कस्तूरी आदि माला जी भी धराई जाती हैं। वहीं फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ रंग बिरंगी पुष्पों की कलात्मक थाग वाली दो सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के हीरा के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। वहीं खेल के साज के तहत आज पट उत्सव का वो गोटी जड़ाऊ पधराई जाती है। तो श्रृंगार में आरसी सोने की डांडी वाली एवं राजभोग में चार झाड़ वाली दिखाई जाती है। वहीं संध्याकालीन सेवा के दर्शन करें तो संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के आभरण, किरीट, टोपी व मोजा जी बड़े कर दिए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल गोल पाक के ऊपर हीरा की किलंगी व मोती की लोम धराई जाती है। लोम तो रन नहीं धराए जाते हैं। श्री कंठ में छेड़ान के श्रृंगार व मोजा जी रूपहरी जरी के धरा दिए जाते हैं। शयन उपरांत अनोसर में पूर्व खंडपाट, चौकी, पड़गा आदि सभी साज स्वर्ण के बदल कर चांदी के पधरा दिए जाते हैं तथा चंदुआ श्वेत मलमल का बांध दिया जाता है। राग सेवा में मंगला में आज नंदलाल मुखचंद निरख, राजभोग में बोलत श्याम मनोहर बैठे, आरती में लटकत चलत ज्योति, शयन में आलीरी कर श्रृंगार, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। जैसे कि मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग, शयन भोग आदि में विविध सामग्रियों का भोग तो अरोगाया ही जाता है। एक बार पुनः आप सभी को श्री दामोदर दास जी हरसानी के उत्सव की खूब खूब बधाई। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए एवं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, कमलेश पालीवाल, राजूभाई सनाड्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।